तो ये बड़ी खबर देख सकते हैं किस तरह से थाना सिविलियन पुलिस ने करनाल के रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में चल रहे गलत कामों का बड़ा खुलासा किया। आप देख सकते हैं क्योंकि लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि रेलवे स्टेशन के होटल में जो है गलत काम चलते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से तीन लड़कों समेत तीन लड़कियां आपत्तिजनक हालत में बरामद की जाती है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, तीनों को किस तरह से कोर्ट में पेश करने लेकर जाया जा रहा है। तीन लड़कियां भी आप देख सकते हैं, तीन लड़कियां भी आपत्तिजनक हालत में उस होटल से पकड़ी जाती हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पिछले काफी लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि करनाल के रेलवे स्टेशन के पास जो बने होटल है वहां पर इसी तरह से गलत काम चलता है, और इनको आप देख सकते हैं कोर्ट में पेश करने लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं, कोर्ट में पेश करने लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल के थाना सिविल लाइन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसकी लाइव तस्वीरें से मैं देख सकते हैं किस तरह से एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं। पिछले दिनों सुपरवॉल में रेड मारी गई थी, और आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से थाना सिविल लाइन ने रेलवे स्टेशन के नजदीक एक होटल पर यह छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें तीन लड़कियों को पकड़ा जाता है और तीन लड़के भी पकड़े जाते हैं। अब आप देख सकते हैं एक एक करके इनको किस तरह से कोर्ट में पेश करने लेकर जाती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें से मैं देख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर देख सकते हैं, करनाल के थाना सिविल लाइन पुलिस ने इन तीन लड़कियों को पकड़ा है। आप ये लाइव तस्वीरें से देख सकते हैं कि किस तरह से इनको कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर जाया जा रहा है। एक बड़ी रेड मारी गई है एक होटल बताया जा रहा है रेलवे स्टेशन के नजदीक, जहां पर ये गलत काम किया करते थे। और जब पुलिस को जानकारी मिलती है तो इन तीन लड़कियों को पकड़ा जाता है, और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोर्ट में इनको पेश करने लेकर जाया जा रहा है। महिला पुलिस भी इस समय साथ जाती हुई नजर जरूर आ रही है, और आप देख सकते हैं तीन लड़के और उनको भी पकड़ा जाता है, एक मैनेजर को पकड़ा जाता है। गंदे काम किया करते थे और आप देख सकते हैं इन गंदे काम करने के बाद इनको अब पुलिस की टीम कोर्ट में लेकर जाती हुई नजर आ रही है, कोर्ट में पेश करने लेकर जाया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस समय देख सकते हैं, तीन महिलाओं को पकड़ा जाता है। महिला पुलिस इस समय उन तीनों महिलाओं को लेकर जाती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। तो बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल के रेलवे स्टेशन के नजदीक एक होटल में गंदे काम किए जाते थे, आपत्तिजनक हालत में लड़के लड़कियों को पकड़ा जाता है, वहां के मैनेजर को भी उठा लिया जाता है, क्योंकि लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि करनाल के रेलवे स्टेशन के पास इस होटल में गलत काम किया जाता है, यानी कि देह व्यापार का काम किया जाता है। और इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद जिस तरह से आप देख सकते हैं थाना सिविल पुलिस ने वहां पर रेड मारी है, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? तीन लड़कियों को, दो लड़कों को और एक मैनेजर को रंगे हाथ वहां से गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ जानकारी मिली थी और क्या कहना चाहेंगे? रेलवे स्टेशन करनाल है जी, उसके पास एक पैराकिट नाम से गेस्ट हाउस है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भाई कई दिन से ना यहाँ पे गलत काम हो रहा है, लड़कियों को बंधक बना के रखते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं। तो DSP साहब है अपने हेडक्वार्टर साहब, और मैं और अपनी टीम लेके गए थे वहाँ पे, हमने रेड की, वहाँ पे लड़कियों को बंधक बना के रखा हुआ था, तीन लड़कियों को, और मैनेजर से हमने चेक करवाया तो वहाँ पे गलत काम होते हुए पाए गए, जिस पे मैंने मुकदमा दर्ज कर लिया। इनको अभी बयान कराने के लिए भेजे हैं इनको, लड़कियों को। कितने पकड़े गए हैं? इसमें से तीन तो लड़कियाँ हैं जी, और दो लड़के हैं और एक मैनेजर है जी। तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला सर इनका किसी प्रकार? रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं जी, इनका रजिस्टर ले हैं। तो बताया जा रहा है लड़कियाँ वहाँ पर रखी जाती थी वहाँ पे, उनसे देव पार किया जाता था। और तीन लड़कियां पकड़ी हैं? हाँ जी तीन जी। और दो ग्राहक हैं और एक मैनेजर। तो लड़कियों का बयान लिया जाएंगे सर? हाँ जी, बयान करवाने के लिए भेज दिया मैंने कोर्ट के अंदर। तो बंधक बना के रखते थे? बंधक बना के रखते थे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं लड़कियों को अब कोर्ट में पेश किया जा रहा है, लड़कों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कहीं ना कहीं करनाल के थाना सिविल लाइन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी जरूर हाथ लगी है। पैराकीट नाम से एक गेस्ट हाउस था, और पुलिस की तमाम टीमें आप इस समय देख सकते हैं अपनी कार्रवाई करती हुई नजर जरूर आ रही है। करनाल के थाना सिविल लाइन से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर एक कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप करनाल के थाना सिविल लाइन से आप देख सकते हैं। जानकारी एक ये भी मिली है कि इन लड़कियों को होटल में ही रखा जाता था, बंधक बनाकर रखा जाता था, और इनसे इस तरह का गलत काम कराया जाता था। तीन लड़कियां पकड़ी जाती हैं करनाल के रेलवे स्टेशन के नजदीक पैराकिट गेस्ट हाउस में, जहां पर पुलिस ने रेड मारी, और वहां से किस तरह से आपत्तिजनक हालत में इन लड़के लड़कियों को बरामद किया जाता है, मैनेजर भी पकड़ दिया जाता है। तो यह बड़ी खबर इस समय करनाल के थाना सिविल लाइन से आप देख रहे थे, जहां पर किस तरह से तीन लड़कियों को, दो लड़कों को और एक मैनेजर को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा जाता है, देह व्यापार का
कारोबार वहां पर किया जाता था, पिछले काफी समय से किया जाता था। इस तरह की शिकायत जब पुलिस को लगी तो पुलिस ने वहां पर रेड मारी, महिला पुलिस के साथ रेड मारी और रंगे हाथ इनको वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। कमल मिड्डा, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।